अरे दोस्तों, क्या आपने वो फिल्म देखी क्या? अरे मैन इन ब्लैक, ये एक हॉलीवुड की मूवी है। अब आप ही सोच लोगे कि वैभव आज तुम ये बात क्यों कर रहे हो। अरे हाँ, उससे पहले मैं बता दूं कि नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ वैभव, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैन इन ब्लैक मूवी की बात मैं इसलिए करने वाला हूँ ना, क्योंकि आज मैं दुनिया के ऐसे जगह के बारे में बताना जा रहा हूँ जिसके बारे में कितनी हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगी। हर कोई इसके बारे में जानता ही होगा, लेकिन वो बात जो कोई भी नहीं जानता वो आज हम आपको बताने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं जिसको लोगों ने भूतिया इलाका भी कहा, तो लोगों ने एलियंस का घर भी कहा, किसी ने किसी का गुप्त इलाका भी कहा, तो किसी ने कुछ ऐसी बातें की जो छुपाए रखी हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एरिया 51 की। दोस्तों, मैन इन ब्लैक मूवी की बात मैंने इसलिए की थी क्योंकि उसमें दिखाया गया कि सरकार का एक गुप्त ठिकाना होता है, वहां पर एलियंस आके रुकते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद अब ये सवाल उठता है कि क्या ये हकीकत में कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां पर एलियंस आ सकते हैं, वहां पे रखे हुए हो। अभी तक तो ऐसी कोई बात तो प्रूव नहीं हुई है, लेकिन हाँ देखो, वो ये ना चीजों के बारे में बातें तो चलती रहती हैं। आज हम बात करेंगे एरिया 51 के बारे में, यानी कि एरिया 51 के बारे में। दोस्तों, कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि यहाँ पर जो अमेरिका की गवर्नमेंट है उसने कुछ सीक्रेट्स छुपा रखे हैं। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ पर एलियंस के ऊपर कई सारे प्रयोग भी किए गए हैं, लेकिन अब ये बात कितनी सही है या गलत है इसके बारे में तो नहीं पता। अब एरिया 51 जो है वो अमेरिका के एक नेवाडा शहर है ना, वहाँ पे राज्य पड़ता है, वहाँ पे है ये। अब इसका नाम दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में आता है क्योंकि इसके पीछे कई सारी चर्चाएं पहले से ही चल रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर वैसे बता दें कि ये जो एक आर्मी का कैंप समझ लो यहाँ पर बना हुआ है, और ये क्षेत्र काफ़ी वीरान है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे कोई आ जा नहीं सकता है, तो जाने की तो बिल्कुल मत सोचना। और यहाँ पे जो अमेरिका की गवर्नमेंट है वो यहाँ पे सेना को रखा हुआ है, सेना इस पे नज़र रखती रहती है, एक ये सीक्रेट बेस की तरह है, आप समझ सकते हो। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है यहाँ पर कई सारी टेस्टिंग भी होती, टेस्टिंग साइट्स भी हैं, और ये वर्ल्ड वॉर जब उस समय की है, उस समय भी इस जगह को यूज़ किया जाता था। और ये बात आप जरा ध्यान से सुनिए, कितनी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है ये। आप भी समझ लो, अगर यहाँ पे कोई आसपास दिख भी जाए ना, तो साफ साफ गवर्नमेंट ने कह रखा है अगर यहाँ कोई भी आया तो सीधे गोली मार दी जाएगी उसको। ये समझ लीजिए, इतनी रहस्यमय यानी छुपा के रखा गया है इस जगह को। अब जो एरिया 51 के बारे में लोगों को तब पता चला ना दोस्तों, जब एक लीक हुई थी CIA की रिपोर्ट 1967 में, गलत ये लीक हो गई, तब से लोगों को इसके बारे में पता चला और तभी से ही इसका जिक्र शुरू हुआ। यहाँ पर बड़ी रात में लोग भी रहा करते थे पहले, लेकिन उसके बाद लोगों को यहाँ से हटा दिया गया और पूरी जगह को खाली कर दिया गया है। यहाँ पे आसपास के दूर तक बहुत बड़ी पैनी नजर रखी जाती है। दोस्तों, ये जगह ना पहले से ही बहुत गोपनीय है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो अमेरिका के कुछ विमान होते थे ना, जासूसी वाले विमान, उसकी भी यहाँ पे टेस्टिंग की गई थी, और कुछ डॉक्यूमेंट्स में तो ऐसा कहा गया कि कुछ ऐसी चीजों का भी टेस्टिंग किया गया जो अभी तक हमारे सामने आई ही नहीं, और यहाँ पर किसी भी कर्मचारी को बाहर नहीं आने दिया जाता जल्दी से। लेकिन हम गोल गोल कितना भी घूम लेना, घूम के हमको वहीं आना है, तो सीधे हम मुद्दे पे आते कि क्या ये जो एलियन वाली बात है क्या वो सही है या नहीं है। दोस्तों, पहले ये जान लो कि ये बात शुरू कहाँ से हुई। दोस्तों, एयरवेज को इतना ज्यादा गोपनीय रखा गया ना कि इसके वजह से कई सारे अफवाहें भी फैली। तो हुआ क्या कि इसको एक रोजवेल घटना है उससे भी जोड़कर देखा जाता है। हुआ क्या था, 1947 की बात है, जब एक वहां पे ना लोगों को एक रहस्यमय मलबा मिला किसी क्रैश हुई चीज का। अब हुआ क्या कि रिसर्च की गई तो पता चला कि जो वहां से जो हमें ऐसे एलिमेंट्स मिले हैं वो यहाँ पर मिलते ही नहीं है धरती पे। ऐसा कहा गया कि अफवाहों में कि मेक्सिको शहर में एक उड़न तस्तरी गिर गई थी। इन सभी जगहों पे अफवाहें फैलने लगी और धीरे धीरे लोगों में ये अफवाहें फैलने लगी कोई उड़न तस्तरी या कोई UFO है जो आकर यहाँ क्रैश हुआ, लेकिन कभी भी गवर्नमेंट ने इसको प्रूफ नहीं करा, गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा कि ये सब चीज़ें। अभी भी आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स में इस तरीके की कोई भी बात नहीं की जाती। तो ये सब क्या है, एक अफवाह है जो फैलाई गई है लोगों की तरफ से। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक बात तो आ ही रही होगी, जो मैंने कहा था कोई उड़न दस्तरे UFO का क्रैश हुआ था, क्या वो सच्चाई थी? दोस्तों, इस बार गवर्नमेंट से बात की गई ना, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उस समय कहा कि उस समय एक अमेरिका के एयरफोर्स का एक गुब्बारा था, वो वहाँ पे जाके जो
क्रैश हुआ था वो था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने तो इन सब चीज़ों के लिए मना कर दिया। लेकिन फिर भी 1989 में रॉबर्ट लेजर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी पर काम करने का दावा किया था। उनका मानना था कि वो वहाँ पर काम करते थे और कुछ फुस भी लीक हुए थे। अब देखो, हम इस तरह की कोई भी पुष्टि नहीं करते, जो भी चीज़ें थी फैक्ट्स थी हमने आपको बताया। ऐसी फैक्ट्स ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए बने रहिए यार, वीडियो को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, ऐसी वीडियोज आती रहेंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना भाई, बाय बाय। सबसे बड़ी लड़ाई यानी कि कलिंग की लड़ाई के बारे में भी जानेंगे। एक ऐसी लड़ाई जिसमें आज से इतने हजारों साल पहले 2.5 लाख से ज्यादा लोग युद्ध में मारे गए, उस लड़ाई के बारे में हम बताएंगे। क्यों ये लड़ाई हुई, क्या इसकी वजह थी, वो हम